एमपी के सीहोर में हिंदू युवती के साथ जबरन दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक ने युवती को होटल में बंद कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। ये जानकर आसपास के लोगों ने होटल को घेरा तो युवक ने युवती के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के सीहोर का है, जहां एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहा था। युवक ने युवती को होटल के कमरे में बंद किया हुआ था और डरा धमका कर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। आसपास के लोगों को जब इसका पता चला तो वे वहां पहुंच गए। पकड़े जाने के डर से युवक ने युवती को होटल की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर का है। दरअसल जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि युवती के पैर में गंभीर चोटें आ गई हैं, लेकिन युवक को लोगों ने भागने नहीं दिया। उन्होंने पुलिस को बुला लिया और युवक को उसके हवाले कर दिया। युवती ने पुलिस को बताया कि युवक इसके पहले भी उसके साथ गलत हरकत कर चुका है। 4-5 महीने पहले उसने युवती के घर में उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद से वह युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। शनिवार को युवक ने युवती को होटल बुलाया। युवती ने इनकार किया तो युवक उसे परिवार को बता देने की धमकी देने लगा। युवती की शिकायत पर आरोपी युवक सोहेल के खिलाफ धारा 307, 376, 376 2N, 506 IPC और ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। युवक को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है।